आता है गार्डनिंग में। और मैं भी चाहता हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं वो वातावरण से जुड़े, अपने जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छा बनाए, इनमें अपना योगदान दे। आज की जनरेशन उसको साथ लेकर जरूर चलिए, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको भी पता लगना चाहिए कि पर्यावरण और पेड़ पौधे ये सब क्या चीज़ें होती हैं। और ये एक मैंने मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी, मेरे पास जो 7-8 प्रकार की तुलसी हैं वो पूरी उनके बेनिफिट्स के बारे में मैंने बताया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं लिंक बटन में उसको लगा दूंगा, आप वहाँ पर जाकर भी दे सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें उसका लिंक मैं डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप जाकर देख लेना। उसमें भी काफ़ी अच्छी जानकारी मैंने दी हुई है, जितनी मेरे पास तुलसी हैं वो सब की जानकारी उसमें मिलने वाली। जनवरी फरवरी से लेकर और आज तक अभी लगभग 1.5 साल का समय हो गया है। एक नई बीमारी जो ये आई है कोरोना की, और इस कोरोना में जीवन जो है वो बिल्कुल बदल कर रख दिया है। सब कुछ आसान नहीं रहा है, परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न हो गई हैं पहले से और अब में। जो हम अपनी शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए आजकल बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, कुछ दवाइयाँ भी हम ले रहे हैं, जैसे कुछ एलोपैथी मेडिसिन्स हैं, कुछ आयुर्वेदिक के उपाय हैं, वो सब हम कर रहे हैं। उन्हीं की कड़ी में हम कुछ अपने गार्डन में ऐसे पौधे लगाए हुए हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बूस्ट करते हैं, और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है उसको बढ़ाने के लिए कुछ पेड़ पौधे हमने लगाए हुए हैं। और उन्हीं पेड़ पौधों की हम आज आपको जानकारी देंगे वो क्या पेड़ पौधे हैं, क्योंकि जीवन बहुत कठिन हो गया है और तरह तरह की बीमारियां आ चुकी हैं। एक तो मैं अभी बता ही रहा हूँ आपको, कोरोना की जो बीमारी है वो बहुत गंभीर है, जिसमें हम सब ने देख भी लिया है कि जो ऑक्सीजन है ये बहुत कितना ज़रूरी है, और ऑक्सीजन के साथ साथ अपनी शरीर की जो प्रतिरोधी क्षमता है उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पहले तो मैं एक छोटा सा संदेश आपको देना चाहता हूँ कि अभी जो मौसम है वो बरसात का मौसम चल रहा है, और मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, समर्पण जल कल्याण संगठन रुड़की, और हमने एक मुहिम चलाई हुई है कि अभी हम जो पौधारोपण है वो अगले 1 महीने तक बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इस समय में आपको जो पौधे लगाएंगे वो बहुत जल्दी से ग्रोथ करते हैं, क्योंकि बारिश होती रहती है और वो सूखते भी नहीं हैं। तो आप भी इस मुहिम के साथ जुड़िए और अपने क्षेत्र में जहाँ पर भी आप हैं पौधारोपण का कार्यक्रम जरूर करें अपने जन्मदिवस पर, क्योंकि हमने ये अब जो हमारे जो सदस्य हैं या पदाधिकारीगण हैं उनका जिसका भी जन्मदिन आता है उस पर हम पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप भी जरूर करिए, क्योंकि कोरोना से ही जुड़ा हुआ था कि हम अपने पर्यावरण को बचाएंगे। ऑक्सीजन की मात्रा पर्यावरण में भरपूर रहेगी अगर पेड़ पौधे होंगे, तो उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो आइए हम अपनी टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, वो कौन कौन से प्लांट हैं जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आपको बताते हैं कि एक मेडिसिनल प्लांट खास ये है। देखिए, एक सबसे पहले जो हमने प्लांट लिया है वो है अजवाइन का। ये अजवाइन वो अजवाइन नहीं है जो आप सोचते होंगे कि हमने अपने खेत में बो दी थी और एक बार इसकी अपने बीज ले लिया और वो ख़त्म हो गई। ये वो अजवाइन है जो पूरे साल भर आपके गमले में ऐसे ही हरी भरी बनी रहेगी, और इसका सेवन आप पूरे साल भर कर सकते हैं। बहुत ही उपयोगी है ये, अपने जो बेनिफिट्स हैं इसके बहुत ज़्यादा हैं। ये पेट के लिए बहुत अच्छी है, मुँह की दुर्गंध को हटाने में बहुत अच्छी है, और इसके बहुत सारे अपने बेनिफिट्स भी हैं। इसको आप जो सब्ज़ी हैं आपकी उसमें इसके पत्ते आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ये पत्ता ले लीजिए आप इसका, और सब्ज़ी के में आपको 2-4 पत्ते आप डाल दीजिए, तो अजवाइन का पूरा टेस्ट आपको मिलेगा बहुत अच्छे से। इसमें खुशबू भी आती है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। तो ये पौधा मैंने लिया है सबसे पहले, इसको आप अपने घर में लगाइए, लगाना भी बहुत आसान है। इसको आप इसको एक डंडी इसकी ले लीजिए कटिंग, उससे भी आप ऐसे ये इतनी डंडी लोगे तो इससे भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, इजी टू केयर है, कोई इसकी ज़्यादा इसमें
झंझट इसको नहीं चाहिए, कोई ज़्यादा देखभाल इसको नहीं चाहिए, केवल आपको इसको लगाना है। लगाने के बाद आपको इसको थोड़ा बहुत पानी टाइम टाइम से देते रहना है। अब तो बरसात का मौसम है, पानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये प्लांट हो गया। एक दूसरा प्लांट मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये है लेमन ग्रास। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अपने आप में। सबसे बड़ी बात क्या है, ये आपको टेस्ट भी देता है। आप इसको चाय में यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा टेस्ट देखने को मिलेगा। इलायची हो गई और अदरक हो गई और दालचीनी हो गई और नींबू हो गया, इन चारों का टेस्ट आपको एक ही पौधे में मिलेगा। इसको जो यूज़ करना है वो बहुत आसान है। इसकी जो लीव्स आप देख रहे हैं, ये पत्तियाँ इसकी, इन्हीं को हम यूज़ करते हैं और इनको कट करके आपको ऐसे ही अपनी चाय में डाल लेना है। बेनिफिट्स इतने हैं इसके कि मैं आपको क्या बताऊं। पेट से लेकर और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने से लेकर आपकी कोलेस्ट्रॉल ले लीजिए, कोलेस्ट्रॉल में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है ये। कोलेस्ट्रॉल के बाद आप दर्द ले लीजिए, दर्द में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। सर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, उसमें भी बहुत ज़्यादा उपयोगी ये प्लांट होता है। बहुत सारे बेनिफिट्स इस प्लांट्स के हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि जितने भी प्लांट मैं आपको बता रहा हूँ, लेमन ग्रास हो गया, ये अभी जो मैंने बताया और आगे जो मैं बताने वाला हूँ, सारे ही प्लांट्स, इनको इतनी ज़्यादा किसी चीज़ की बहुत खास ज़रूरत नहीं होती है। हल्की इनकी देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये प्लांट हमें देने वाले हैं, हमसे कुछ लेने वाले नहीं हैं। वैसे तो सारे ही पौधे इस धरती पर जो भी हैं वो अपने आप से तो अपना कुछ लेते नहीं हैं, सारा देते ही हैं। तो ये भी जो प्लांट है वो सब कुछ देने वाले हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती। ये देखिए, मैं ये पतंजलि से लेकर आया था, लगभग इसको 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और हमने जब से इसको लगाया हुआ है आज तक इसी, हाँ बड़ा हो गया है और इसी पॉट में ही है। इसके अलावा पॉट भी हमने इसका चेंज नहीं किया है, और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, ये दिन प्रतिदिन फूलता ही जा रहा है और इसकी नई नई ब्रांचेज निकलते जाती हैं। और हम इसका यूज़ भी जो चाय पत्ती में है उसमें डेली करते हैं, ऐसा नहीं है, हम डेली इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा, बहुत अच्छे गुणों से भरपूर है। आप ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता, 10 रुपये का एक पौधा मिलेगा आपको, आप ले आइए और गमले में आप लगा दीजिए इसको अपनी छत पर, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स इसको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आते हैं, ये देखिए इसको बोलते हैं, ये देखिए ये है मरवा, ये प्लांट आप देख रहे हैं, इसको मरवा बोलते हैं। जब मैं छोटा था हमारे घर पे भी ये लगा हुआ था, तो तब मुझे इसका समझ नहीं आता था, क्योंकि ये वहाँ पर बहुत बड़ा हो जाता है हमारे आंगन में, और जो आस पड़ोस के लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, वो इसको तोड़ तोड़ के ले जाते थे, बट हमें इसकी इतनी ज़्यादा जानकारी थी नहीं। तो हम इसका, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अटपटा भी लगता था और मेरी मम्मी को भी, तो हम इसका ज़्यादा उपयोग करते नहीं थे, बस एज ए शो प्लांट हमने इसको लगाया हुआ था। लेकिन अब जाकर पता लगा कि ये कितने काम का पौधा है और कितने सारे बेनिफिट्स इससे मिलते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ये पौधा। आप इसको कई तरह से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप इसको चटनी में इस्तेमाल करिए, चटनी बनाइए इसकी, आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है, मुँह की दुर्गंध को हटाता है। और सबसे बड़े बेनिफिट्स जो इस प्लांट के हैं वो ये हैं कि अगर जैसे अभी बरसात का टाइम चल रहा है, आसपास कीड़े बहुत ज़्यादा आते हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस प्लांट को लगाने से क्या है कि कीड़े और मच्छर वो इसकी दुर्गंध से, जो इसकी खुशबू है, उससे दूर भागते हैं। तो इसको लगा लीजिए आप, और लगाने के बाद जो मच्छर हैं, मक्खी हैं, या आजकल कीट पतंगे हैं, वो आपके पास नहीं आएंगे। वैसे मेडिसिनल प्लांट इसको बोला जाता है। इसको एक जो इसका नाम है वो, इसका वनस्पतिक नाम जो है वो ओरिगैनो है, ओरिगैन करके बोलते हैं इसको, और वैसे इसको हम शुद्ध अपनी भाषा में मरवा बोलते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अच्छा टेस्ट है, आप इसको अपने प्लांट में ज़रूर, अपने जो गार्डन है उसमें ज़रूर ऐड करिए, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो आइए, इसके बाद एक पौधा और बचा है, ये साथ में जो दूसरा पौधा देख रहे हैं, ये भी इसी का ही पौधा है, मरवे का ही। तो मेरे पास 2 पौधे हैं, वो 2 के अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे पौधे हैं। इसको एक तो लगाना बहुत आसान है, अपने आप ही उग जाते हैं, ये किसी तरह का कोई झंझट नहीं है। देखो ये इस पर अभी बीज आ रहे हैं, ये सीड्स, और ये सीड्स नीचे गिर जाएंगे ऐसे ही गमले में, और अपने आप ही उग जाएंगे। तो हमें कोई ऐसी ज़्यादा खास
लगता नहीं है बाहर से ख़रीदने का। एक बार आप या तो कहीं से बीज ले आइए या फिर कोई प्लांट 10-20 रुपये का आपको मिल जाएगा नर्सरी से, खरीद कर आप लगा लीजिए, बस उसके बाद ही अपने आप ग्रो होता रहेगा। और आप एक प्लांट से 2 प्लांट, 10 प्लांट, 20 प्लांट आप ऐसे ही अपने पड़ोस में भी बांट सकते हैं। इसके बाद अगली प्लांट है प्लांट ROBC करा है और हाँ। काफ़ी आनंद इसको आता है गार्डनिंग में, और मैं भी चाहता हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं वो वातावरण से जुड़े हैं, अपने जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छा बनाए, इनमें अपना योगदान दे। आज की जनरेशन उसको साथ लेकर ज़रूर चलिए, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको भी पता लगना चाहिए कि पर्यावरण और पेड़ पौधे ये सब क्या चीज़ें होती हैं और इनसे क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, और इनको इनकी केयर करनी चाहिए, इनके साथ जुड़ना चाहिए, ताकि हमारा जो आगे जीवन है वो बच पाए। क्योंकि पेड़ है तो जीवन है, जल है जीवन है, ये ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ में अगर पेड़ नहीं है, पेड़ हम नहीं लगाएंगे तो हम ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और उसकी वजह से आपने सबने देख ही लिया है कि जो अभी कोरोना गया है उसमें कितनी इसकी ज़रूरत पड़ी है हमें। तो हमें बच्चों को भी साथ में लेकर चलना चाहिए अपने, और उनको पूरा बताना चाहिए। तो आइए चलते हैं। और ये कड़ी पत्ता का प्लांट है, ये कड़ी राइस में डाला जाता है। हाँ, कड़ी पत्ता का प्लांट है। वैसे इसको नॉर्मली जो है साउथ इंडियन जो फूड होता है उसमें बहुत हाँ। ज़्यादा हर फूड में, साउथ इंडियन का कोई भी फूड हो, डोसा ले लीजिए आप, इडली ले लीजिए आप, सांभर हो गया आप, जो भी है फ्राइड ये क्या बोलते हैं उसको पोहा ले लीजिए, सब चीज़ों में इसका प्रयोग बहुत अच्छे होता है। लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो और भी आप अचंभित करने वाले बेनिफिट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। हार्ट की समस्या हो गई, बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सारी जो समस्याएं हैं इनसे ये पौधा हमें निजात दिलाता है। और आप किसी से परामर्श भी कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी है, एक औषधि के रूप में भी हम इसको यूज करते हैं। लेकिन हमने जो इसको लगाया हुआ, जितने भी हम कुछ व्यंजन बनाते हैं जैसे पोहा या इस तरह के कुछ व्यंजन बनाते हैं या कड़ी बनाते हैं, उसमें हम इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट भी है इसका। इसको मीठा नीम बोला जाता है, वैसे मैं आपको बताऊं कड़ी पत्ता तो है ही है, इसको मीठा नीम हम बोलते हैं, और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसको भी ग्रो करना इतना कोई खास ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये पौधा लगभग 2-3 साल से ज़्यादा हो गया होगा हमारे पास लगा हुआ है, और आप इसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है। इसको हमने यहाँ पे पहले दो ब्रांचेस ही कट करने के बाद ये और कट किया ऊपर से, तो 3-4 ब्रांचेस की हो गई हैं। हम इसका उपयोग भी लगभग जैसे लगातार करते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये खाली शो के लिए हमने लगाया हुआ है। जितने भी पौधे मैंने आपको दिखाए हैं ये सब हम प्रयोग करते हैं और इनका बेनिफिट्स हमें मिलता है। इसी वजह से हम आपको वीडियो के माध्यम से आज बता रहे हैं कि इनके बेनिफिट्स कितने सारे हैं। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि आप भी अपने गार्डन में इन पौधों को ज़रूर लगाइए, बेनिफिट्स आप लीजिए, और जो तरह तरह की बीमारियाँ हैं उनसे आप बचे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो इसी संदेश के साथ मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो जानकारी है और 10 लोगों के पास जाएगी और उनको इसका लाभ मिलने वाला है। तो यही सारी जानकारी आज इसकी वीडियो में थी। आगे और एक नई वीडियो मैं लेकर आऊँगा, वो वीडियो भी इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशनल ही होगी। बाकी आप चैनल पर बने रहे और अपना प्यार और आशीर्वाद देते